हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गलवान घाटी झड़प का एक और वीडियो वायरल कर दिया गया है। दोस्तों आमने सामने चिल्लाते दिखाई दे रहे हैं भारतीय और चीनी सैनिक। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे अगली खबर में, जहां पर अमेरिका बना रहा है महाशक्तिशाली B-21 परमाणु बॉम्बर। जी हां दोस्तों, अब होने वाला है रूस के साथ बड़ा युद्ध का प्रक्षेपण। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर। साथ ही बताएंगे म्यांमार में बड़े प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के बावजूद भी नहीं थम रहा है विरोध प्रदर्शन। अब हुआ है ये बड़ा कांड, क्या कांड हुआ है दोस्तों बताएंगे आपको। साथ ही उत्तर कोरिया के चेयरमैन पद पर नहीं रहेंगे अब किम जोंग। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। आपको बताएंगे कि देश के नए राष्ट्रपति कौन है। जी हां दोस्तों, उत्तर कोरिया के नए राष्ट्रपति नाम की घोषणा बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर गलवान में PLA सैनिकों की मौत से बौखला गया है चाइना, भारतीय दूतावास को कर रहे हैं ऐसे टारगेट कैसे दोस्तों, और निकाल रहे हैं वो लोग अपनी भड़ास। बताएंगे दोस्तों आपको कितनी नीच हरकत कर रहे हैं चाइनीज अपने सैनिकों के मौत को लेकर। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर सुर्खियों में लौटने को तैयार है डोनाल्ड ट्रंप, बताएंगे किस बात से। साथ ही बताएंगे जहां चीन की दादागिरी रोकने के लिए फ्रांस ने दक्षिण चीन सागर में भेज दिया है अपना युद्ध पोत। जी हां दोस्तों, फिर क्या हुआ उसके बाद। साथ ही बताएंगे ईरान का परमाणु कार्यक्रम फिर घेरे में आ गया है दोस्तों एक बार, जहां UN न्यूक्लियर वॉच डॉग प्रमुख ने कर दिया ईरानी अधिकारी से मुलाकात की बात। जी हां दोस्तों, साथ ही बंगाल चुनाव से बड़ी खबर आ रही है, और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर हरियाणा के CM खट्टर जी का नया बयान आया है दोस्तों, क्या कही है उन्होंने बताएंगे आपको। साथ ही बंद पड़ी LIC पॉलिसी को दोबारा चालू करवाने का शानदार मौका है दोस्तों आप सभी के लिए, जो लोग LIC बीमा करवाना चाहते हैं दोस्तों, और जिनका पुराना भी बंद पड़ा है उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, और भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, आपको बताते जो पहली सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां गलवान घाटी की झड़प का एक और वीडियो वायरल हुआ है दोस्तों, जहां आमने सामने चिल्लाते दिखाई दे रहे हैं भारतीय और चीनी सैनिक। बता दें आपको, लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई झड़प का एक और वीडियो चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दोस्तों। इस वीडियो में गलवान नदी के दोनों तरफ बड़ी संख्या में भारतीय और चीनी सैनिक दिखाई दे रहे हैं। ये जवान लाउड स्पीकर के जरिए आपस में बातचीत करते भी सुनाई दे रहे हैं, जिसमें चीनी सैनिक कहते हैं कि भारतीय सेना के लीडर आए हुए हैं, जिस पर दूसरा चीनी सैनिक कहता है दोस्तों कि लीडर आए हैं तो क्या हुआ, जिसके जवाब में नदी की दूसरी तरफ खड़े हमारे भारतीय जवान माइक से कहते हैं कि गड़बड़ करना बंद करो, हमारे लीडर आए हुए हैं। जी हां दोस्तों, चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने शुक्रवार को गलवान घाटी में 4 सैनिकों के मारे जाने का सच स्वीकारने के बाद शाम को एक वीडियो जारी किया था, जो कि हमने आपको कल की खबर में बताया था दोस्तों। इस वीडियो में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुए संघर्ष के कुछ फुटेज दिखाए गए थे। आपको बता दें कि इस एडिटेड वीडियो की सहायता से चीन खुद को बेचारा और विक्टिम साबित करना चाहता था, जबकि सच ये है दोस्तों कि चीनी सैनिकों ने नुकीले तार लगे रॉड की सहायता से भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। इस वीडियो के अंत में गलवान में मारे गए 4 चीनी सैनिकों की तस्वीर भी दिखाई गई थी, जिन्हें ड्रैगन ने सम्मानित किया है। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों चाइना के जारी किए इस वीडियो से एक चीज तो साफ हो गई है कि हमारे भारतीयों में, भारतीय सेनाओं में हिम्मत की कमी नहीं है दोस्तों। वहां पर 100 से ज्यादा चीनी होने के बावजूद भी हमारा अकेला भारतीय जवान काफी था दोस्तों, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे भारतीय सेनाओं ने अपनी ताकत, हिम्मत और शौर्य बल दिखाया है दोस्तों, ऐसे में चाइनीज सेना रोते रोते वहां से गई है दोस्तों। आप क्या कहेंगे ऐसे में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये हम अपने सैनिकों की बड़ाई नहीं कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन हाँ ये सच्चाई है और सच्चाई माननी पड़ेगी। क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा जरूर दोस्तों कमेंट करके, भारी मात्रा में कमेंट करिएगा दोस्तों। हमारे सैनिक इस कमेंट को पढ़ेंगे तो उनका भी मनोबल और ऊंचा हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका बना रहा है महाशक्तिशाली B-21 परमाणु बॉम्बर। रूस के S-400 का रडार भी होगा इससे क्या फेल, बता दे आपको।
रूस और चीन से जारी तनाव के बीच अमेरिका अपने महाशक्तिशाली B-21 स्ट्रेटेजिक परमाणु बॉम्बर को बनाने में जुट गया है। दोस्तों इस विमान में इतनी आधुनिक स्टिल्थ तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा जिससे रूस की S-400 डिफेंस सिस्टम का रेडार भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। दोस्तों अमेरिकी सेना के हथियारों पर नजर रखने वाली एयरफोर्स मैगजीन के अनुसार पहला B-21 स्टिल्थ बॉम्बर अपने कैलिफोर्निया कारखाने से 2022 की शुरुआत में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके कुछ महीने बाद ही B-21 की पहली उड़ान भी आयोजित की जाएगी। दोस्तों अमेरिकी वायुसेना इस विमान के ऑपरेटिंग बेस पर हैंगर और रखरखाव सुविधाओं के निर्माण के लिए जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करने वाली है। अभी तक यह निश्चित नहीं हुआ है कि इसे कौन से एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर म्यांमार में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के बावजूद भी नहीं थमा विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की गई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत के एक दिन बाद रविवार को देश के कई शहरों में प्रदर्शनकारी फिर इकट्ठा हुए। दोस्तों पुलिस की गोलीबारी में मारे गए एक युवक का अंतिम संस्कार भी इसी बीच किया गया है। जी हां दोस्तों, आंग सान सूची की निर्वाचित सरकार के 1 फरवरी को हुए बड़े तख्ता पलट के बाद देश की सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोग हिस्सा ले रहे हैं और इन प्रदर्शनों में म्या थ्वेट थ्वेट खिने मरने वाली पहली युवती है जिसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है। दोस्तों राजधानी ने पीता में हुए प्रदर्शन के दौरान युवती को उसके 20वें जन्मदिन से 2 दिन पहले 9 फरवरी को गोली लगी थी दोस्तों, जिसके बाद शुक्रवार को उसकी मौत हो गई थी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगून में करीब 1000 प्रदर्शनकारियों ने सड़क के किनारे खड़े होकर मृत युवती के प्रति सम्मान व्यक्त किया। दोस्तों ऐसे में इसके अलावा मांडले में भी एक बड़े प्रदर्शन का आयोजन हुआ है। दोस्तों उस दोनों की मौत के बाद जहां शनिवार को पुलिस ने इलाके में 2 प्रदर्शनकारियों को मार गिराया था, यह घटना तब हुई थी जब सुरक्षा कर्मी कर्मचारियों पर एक नाव में सामान लादने के लिए दबाव बना रहे थे। ये कर्मी भी रेल कर्मियों और ट्रक चालकों तथा कई लोक सेवकों की तरह आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। ऐसे में दोस्तों म्यांमार में हो रहे इस बड़े तख्ता पलट को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, और आप क्या चाहते हैं इसमें सभी देशों को संग आ करके क्या वापस से म्यांमार में शांति बहाल करनी चाहिए दोस्तों? हाँ या ना, आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। अगली खबर की ओर चले तो उत्तर कोरिया के चेयरमैन पद पर नहीं रहेंगे किम जोंग उन। आपको बता दे देश के नए राष्ट्रपति कौन है, जहां उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनके पास आधिकारिक तौर पर देश के चेयरमैन का पद है, लेकिन अब वो इस पद को छोड़ने जा रहे हैं। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि देश पर अब किसी और का कब्जा होगा। दरअसल किम जोंग अब औपचारिक रूप से उत्तर कोरिया के चेयरमैन नहीं रहे दोस्तों, चेयरमैन नहीं राष्ट्रपति कहलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कोरियन सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट के हवाले से मीडिया में इसका दावा किया जा रहा है। आपको बता दें न्यूज एजेंसी ने बुधवार को किम जोंग उनको लेकर एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया है कि किम जोंग उन प्योंगयांग के बाहर पैलेस ऑफ द सन के दौरे पर गए हुए थे, वो अपने पिता की जयंती पर यहां पहुंचे थे। इस रिपोर्ट में कोरियन सेंट्रल एजेंसी ने किम को डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के स्टेट अफेयर्स के प्रेसिडेंट कहकर संबोधित किया। इससे पहले उन्हें स्टेट अफेयर्स का चेयरमैन कहा जाता था दोस्तों। ऐसे में अब से किम जोंग को उत्तर कोरिया का राष्ट्रपति कहा जाएगा। जी हां दोस्तों, ये भी बड़ी खबर थी। आपकी क्या राय होगी ऐसे में बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो गलवान में PLA सैनिकों की मौत से बौखला गए चीनी, भारतीय दूतावास को किया है टारगेट दोस्तों, और इस प्रकार से निकाल रहे हैं हमारी भारतीय एम्बेसी पर भड़ास। बता दे गलवान खूनी संघर्ष की सच्चाई को आठ महीने तक छिपाने के बाद आखिरकार चीन ने कबूल कर ही लिया है कि उस खूनी झड़प में उसके भी 4 सैनिक मारे गए थे और एक रेस्क्यू के दौरान मारा गया था। PLA की सेना की मौत को लेकर ड्रैगन के इस बड़े खुलासे के बाद चीन में बवाल मच गया दोस्तों। चीनी लोग बौखला गए हैं और वो हेट मैसेज अब शब्द व गाली गलौज पर उतर आए हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, आपको बता दें वहां की सोशल मीडिया में भारत विरोधी संदेशों की बाढ़ आ गई है दोस्तों, और अपनी खींच उतारने के लिए चीनी सोशल मीडिया यूजर्स अब बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट को निशाना बना रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि गलवान घाटी हिंसा में भारत के
20 जवान शहीद हुए थे, तो वहीं चीन ने अपने सैनिकों की मरने की बात को 8 महीने तक दबाए रखा, जिसे लेकर भी वहां के लोगों में काफी रोष है। आपको बता दें गलवान घाटी की हिंसा को लेकर चीन के खुलासे के बाद चीन में भारतीय दूतावास के वीवो अकाउंट, आपको बता दें दोस्तों वीवो वो अकाउंट है जो एक ट्विटर की तरह दिखने वाला सेम टू सेम चाइना में चलने वाला अकाउंट है, जिस पर अपमानजनक संदेशों से भारतीय दूतावास को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि पीएलए डेली न्यूज़पेपर में शुक्रवार को चीन ने दावा किया है कि उसके 4 सैनिक मारे गए थे और एक घायल हुआ था। ऐसे में दोस्तों भारत के उस एम्बेसी को परेशान करना, गाली गलौज करना, क्या ये उचित है? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस प्रकार से हम अपने भारत की एम्बेसी को चाइना में किस प्रकार से बचा सकते हैं दोस्तों, और भारत को क्या कदम उठाना चाहिए इसके खिलाफ, कमेंट करके सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलते अगली खबर की ओर, जहां सुर्खियों में लौटने को तैयार डोनाल्ड ट्रंप, सीपीएसी में जो बाइडेन पर साधेंगे बड़ा निशाना। बता दे बीते 4 सालों तक अमेरिका और दुनिया की सुर्खियों का प्रमुख चेहरा रहे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद मानो गायब से हो गए। ना ही अब उनके कोई बयान सामने आ रहे दोस्तों, ना ही जो बाइडेन प्रशासन के फैसलों पर कोई टिप्पणी। हालांकि ट्रंप जल्द ही पब्लिक लाइफ में वापसी करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, खबरों के मुताबिक वो सीपीएसी में हिस्सा लेने वाले हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के हाथों मिली हार के बाद पहली बार अगले सप्ताह सार्वजनिक रूप से नजर आएंगे दोस्तों। वो फ्लोरिडा में कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन फ्रांसिस कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। अमेरिकी कंजर्वेटिव यूनियन के प्रवक्ता इयान वॉल्टर्स ने पुष्टि की है कि ट्रंप 28 फरवरी को समूह के वार्षिक सीपीएसई में भाषण देंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रंप के भाषण संबंधी जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर बताया है कि ऐसी संभावना है कि इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के भविष्य पर बात करेंगे। सूत्रों की माने तो उनकी आव्रजन नीतियों को पलटने के प्रयासों के लिए मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचना करेंगे दोस्तों। ऐसे में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का सीपीएसी में आकर के जो बाइडेन के खिलाफ भाषण देना क्या उचित होगा दोस्तों, या आप इसका समर्थन करते हैं? जो भी करते हैं कारण के साथ में कमेंट में बताइएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो अब चुनावों में धांधली करने पर उतरे इमरान खान, तो मरियम नवाज का बड़ा आरोप, कहा प्रधानमंत्री के साथ पाकिस्तानी सेना भी मिली हुई है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सेना एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है दोस्तों। दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कि नवाज की पार्टी है दोस्तों, उसके उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने कहा है कि सेना ने पंजाब प्रांत में उपचुनाव में सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पक्ष में धांधली के लिए 20 से अधिक चुनाव अधिकारियों को अगवा किया। पाकिस्तान सेना पर लगातार आरोप लगते रहते हैं कि वो सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करती रहती है। विपक्ष प्रधानमंत्री इमरान खान को सेना के हाथ की कठपुतली भी बता चुका है दोस्तों। दूसरी ओर पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर से करीब 80 किलोमीटर दूर दसका में NA-75 नेशनल असेंबली उपचुनावों के दौरान राजनीतिक संघर्ष भी देखने को मिला है। यहां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और PMLN के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है दोस्तों। इसमें 2 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है। विपक्ष पहले से ही प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ सेना के साथ उनकी भागीदारी को लेकर उन पर हमलावर है दोस्तों, तो वहीं अब उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हिंसक झड़प भी इसमें शामिल हो गया। इमरान की मुश्किलों को और बढ़ाएगा ये झड़प। जी हां दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही थी। ऐसे में इमरान खान को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस बार पाकिस्तान में किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है दोस्तों आपको, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, चीन की दादागिरी रोकने के लिए फ्रांस ने दक्षिण चीन सागर में भेजा है अपना युद्ध पोत। बता दे दक्षिण चीन सागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाते हुए फ्रांस ने विवादित जल में 2 समुद्री यात्रा योजना बनाई है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक फ्रांसीसी नौसेना ने कहा है कि उसने 3 महीने के मिशन पर प्रशांत यात्रा के लिए पोर्ट टॉलन युद्ध पोत को रवाना किया है, जो इस बार 2 बार दक्षिण चीन सागर को पार करेगा और मई में जापान अमेरिका के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में भी भाग लेगा दोस्तों। पिछले सप्ताह फ्रांस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कहने पर दक्षिण चीन सागर में चीनी प्रभाव कम करने के मकसद से पनडुब्बी भी तैनात की थी। चलते अगली खबर की ओर, जहां फ्रांस में आया कट्टरता खत्म करने वाला क्रांतिकारी कानून, जिससे
से भड़क रहे हैं लोग। बता दे फ्रांस में इस्लामी कट्टरता का मुद्दा वहां हुई एक हत्या के बाद से लगातार चर्चा में बना हुआ है दोस्तों। इस कट्टरता से निपटने के लिए फ्रांस जो भी कदम उठा रहा है उसकी दुनिया भर में खूब बातें हो रही हैं। इस मामले में पहले राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बयान चर्चा में रहे दोस्तों। वहाँ हाल ही में लाया गया एक बिल दुनिया का ध्यान इस देश की ओर खींच रहा है, इसे सपोर्टिंग रेस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ द रिपब्लिक कहते हैं दोस्तों। और इसको लेकर कई तरह की बातें भी हो रही हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर भारत चीन सैन्य वार्ता से खबर आ रही है कि संचार और संवाद को जारी रखने पर दोनों पक्षों ने जता दी है अपनी सहमति। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा है कि भारत चीन कोर कमांडर लेवल की 10वीं दौर की बैठक चीन की तरफ मोलदू चुशूल सीमा बिंदु क्षेत्र में शनिवार को हुई थी दोस्तों। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने पेंगोंग झील क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति के सैनिकों की वापसी को पूरी तरह से सकारात्मक रूप से स्वीकार किया और कहा है कि ये एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ अन्य शेष मुद्दों के समाधान के लिए एक अच्छा आधार प्रदान किया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की समय बात करें तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम फिर से घेरे में है दोस्तों। यूएन न्यूक्लियर वॉच डॉग प्रमुख ने कर दी है ईरानी अधिकारी से बड़ी मुलाकात। बता दे संयुक्त राष्ट्र न्यूक्लियर वॉच डॉग अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने रविवार को ईरान के परमाणु विभाग प्रमुख के साथ मुलाकात की है दोस्तों। दोनों की मुलाकात ईरान की परमाणु सुविधाओं के संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों को आंशिक रूप में निलंबित करने को लेकर हुई है दोस्तों। ईरान की स्टेट टीवी ने इसकी बड़ी जानकारी दे दी। अगली खबर की बात करें तो कोविड वैक्सीन मुहैया कराने पर भारत का मुरीद हुआ संयुक्त राष्ट्र, बताया कोरोना के खिलाफ ग्लोबल लीडर है भारत। जी हां दोस्तों, बड़ी ही भारत की चर्चा हुई है दोस्तों, और वो भी पॉजिटिव। बता दे संयुक्त राष्ट्र ने कोविड वैक्सीन की 2,00,000 डोज मुहैया कराने पर भारत का आभार व्यक्त किया है दोस्तों। भारत ने यूएन पीस कीपर्स के लिए कोरोना वैक्सीन मुहैया कराई है, जहां संयुक्त राष्ट्र ने भारत की जमकर तारीफ करते हुए उसे कोरोना के खिलाफ जंग में ग्लोबल लीडर करार दिया है दोस्तों। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटारेस का बयान दोहराते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सचिव टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि कोरोना से निपटने में भारत ग्लोबल लीडर के तौर पर काम कर रहा है। कोवैक्स फैसिलिटी को मजबूत करने और पूरी दुनिया को वैक्सीन मुहैया कराने पर हम भारत को धन्यवाद देते हैं। गुटारेस ने भारत के विदेश मंत्री अजय शंकर को भी कोविड वैक्सीन मुहैया कराने पर धन्यवाद दिया है दोस्तों। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने कुल 229.7 लाख कोविड वैक्सीन बीते सप्ताह तक दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 229,70,000 कोविड वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, भारत ने 16 जनवरी से कोविड वैक्सीन की शुरुआत की थी। पहले ही दिन भारत में 20,00,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दे दी गई है दोस्तों। ऐसे में भारत अब ग्लोबल लीडर बन गया है दोस्तों कोरोना की वैक्सीन के मामले में। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये सब तभी संभव है अगर भारत में मोदी जी हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप भी कमेंट सेक्शन में थैंक यू मोदी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर भारत और मालदीव ने $5 करोड़ के रक्षा ऋण सुविधा समझौते पर कर दिए हैं बड़ा हस्ताक्षर। आपको बता दे क्यों है ये हस्ताक्षर इतना अहम। दरअसल विदेश मंत्री अजय शंकर इस समय मालदीव के 2 दिवसीय दौरे पर है दोस्तों। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की है दोस्तों। साथ ही कहा है कि भारत हमेशा मालदीव का एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार रहेगा। भारत ने मालदीव के साथ $5 करोड़ के रक्षा ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिससे इस द्वीपीय राष्ट्र में नौवहन क्षेत्र में क्षमता निर्माण सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। 2 दिवसीय दौरे पर यहां आए जयशंकर ने मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी से भी मुलाकात की है दोस्तों। ऐसे में ये बड़ा अहम माना जा रहा है समझौता। ऐसे में आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। अगली खबर की ओर चलें तो पाकिस्तान में केपीके सरकार 19वीं सदी के गुरुद्वारों के करवाएगी पुनः निर्माण। बता दें पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार ने 19वीं शताब्दी में निर्मित गुरुद्वारे को पुनर्निर्माण और श्रद्धालुओं के लिए दोबारा खोलने के वास्ते अपनी निगरानी में ले लिया है दोस्तों। इस गुरुद्वारे का निर्माण सिख शासक हरि सिंह नलवा ने के शासन काल में हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि मनसेहरा जिले में स्थित ये गुरुद्वारा फिलहाल पूजा अर्चना के लिए बंद है और इसका इस्तेमाल अस्थायी पुस्तकालय के तौर पर किया जा रहा है। प्रांतीय औकाफ और
धार्मिक मामलों के विभाग ने स्थानीय सरकार को पुनः निर्माण प्रस्ताव लाहौर में इवैक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड के समक्ष रखने का सुझाव दिया था। ऐसे में अगली खबर की बात करें तो थाईलैंड में प्रधानमंत्री ने जीता विश्वास मत। प्रधानमंत्री प्रयुत के समर्थन में पड़े 272 वोट। जी हाँ दोस्तों, थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा ने शनिवार को संसद में विश्वास मत जीत लिया है। दोस्तों विपक्ष का आरोप था कि सरकार अर्थव्यवस्था को सही तरीके से संभाल नहीं पाई और कोविड-19 टीकाकरण में गड़बड़ी हुई है। प्रधानमंत्री के अलावा 9 अन्य मंत्री भी विश्वास मत जीतने में कायम रहे। ऐसे में दोस्तों ओचा जी को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, ऐसे में तो जो बाइडेन ने ट्रंप की एक और नीति पलट डाली है, जहां पश्चिमी देशों के गठबंधन में अमेरिका ने कर दी है वापसी। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो पुडुचेरी से खबर आ रही है, जहां दो और विधायकों का इस्तीफा, अल्पमत में आई कांग्रेस डीएमके सरकार। जी हां दोस्तों, और आज साबित करना होगा इनको बहुमत। बता दे कांग्रेस डीएमके गठबंधन की सरकार पुडुचेरी में अल्पमत में आ चुकी है दोस्तों, और यहां पर कांग्रेस और डीएमके के एक एक अन्य विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद 33 सदस्यों वाली विधानसभा में सिर्फ 25 विधायक ही हैं। लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस डीएमके गठबंधन में सिर्फ 11 विधायक ही बचे हैं दोस्तों। तो वहीं कांग्रेस डीएमके की सरकार को 22 फरवरी को अपना बहुमत भी साबित करना है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब भी नारायण सामी की सरकार गिर सकती है। आप क्या कहेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इनकी सरकार गिरेगी, हाँ या ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या कहती है। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो महाराष्ट्र में राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है दोस्तों, और सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि स्थिति अगर बिगड़ती है तो लॉकडाउन भी लग सकता है महाराष्ट्र में। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों। रविवार को मुख्यमंत्री ठाकरे ने प्रदेश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि हालात बिगड़े तो फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। जी हां दोस्तों, फिलहाल महाराष्ट्र में मंगलवार से राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है दोस्तों। अगली खबर की ऐसे में बात करें तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर बोले हरियाणा के सीएम खट्टर जी, कहा ये बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। जी हां दोस्तों, देश भर में पिछले कुछ समय से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई जिलों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गई है दोस्तों। ऐसे में मुख्यमंत्री खट्टर जी ने कहा है कि इससे जो भी रेवेन्यू सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है वो आखिरकार लोगों के इस्तेमाल पर ही खर्च होता है, इसीलिए इनकी बढ़ोतरी ज्यादा मात्रा में नहीं हुई है। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे खट्टर जी को इस बात को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों क्या आपको भी महंगाई झेलनी पड़ रही है, हाँ या ना, बोलिएगा जरूर। दोस्तों अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो बंद पड़ी LIC पॉलिसी को दोबारा चालू कराने का शानदार मौका दोस्तों, मिलेगा 30% तक का डिस्काउंट। आपको बता दें बंद पड़ी LIC पॉलिसी को दोबारा चालू कराने का मौका आ गया है, क्योंकि इस पर अभी 30% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड ने एक बार फिर से लोगों को बंद हो चुकी पॉलिसी को शुरू करने की सुविधा दे दी है दोस्तों। इसके तहत पॉलिसी दोबारा शुरू करने पर लोगों को 30% तक की छूट मिलेगी। क्या आप इस पॉलिसी में जुड़ना चाहेंगे दोस्तों और 30% का छूट लेना चाहेंगे? इससे जुड़ी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछिएगा दोस्तों। हम आपके लिए अगली खबर में इससे जुड़ी पूरी विस्तृत जानकारी में खबर लेकर आएंगे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। जो लोग भी हमारे भाई या बहन इंटरेस्टेड हैं, रुचि रखते हैं इसमें। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में